सैलाबी सूरतहाल ने तो पाकिस्तान भर को मुतासिर किया है और ख़ास तौर पर सूबह सिंध सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर है। सखर जो कि सूबह सिंध का तीसरा बड़ा शहर है वो भी इससे मुतासिर है। हाल ही में कायम होने वाले सी पैक बंद की वजह से ये शहर तो काफ़ी हद तक बचा हुआ है, लेकिन बंद के परली तरफ जो कच्चे का इलाका है वो काफ़ी हद तक इससे मुतासिर है। घर बार, रोज़गार और उनके जो माल मवेशी हैं सब कुछ दरिया की नज़र और सैलाब की नज़र हो चुका है। ऐसे में तालीम का भी काफ़ी हर्ज हुआ है, जो कि सबसे एक ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों के लिए भी, हमारे आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी। तो उनके लिए मुतबादल क्या इंतज़ाम किया गया है खेमा बस्तियों में, और ये लोग किस तरह से तालीम का यहाँ पर सिलसिला चला रहे हैं, बच्चों को किस तरह पढ़ाया जा रहा है, हम आपको आज वही दिखाएँगे। हमारे साथ आइएगा। ये एक अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से खेमा बस्ती में कायम एक आर्जी स्कूल है, जहाँ पे बच्चे, ये देखें आप, वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, और ये इसी वाले से हम बात करेंगे, स्कूल के जो मुंतजमीन हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आपका नाम? नज़ीर अहमद। तो इंतजाम आप चला रहे हैं इस स्कूल का, क्या जिम्मेदारी आपके पास? टीचर भी और वैसे जिम्मेदारी। अच्छा, मुझे बताएं कितने बच्चे इस स्कूल में आ रहे हैं और इन्हें आप क्या पढ़ा रहे हैं? ये हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 100 बच्चे आ रहे हैं, तकरीबन 3 शिफ्टों में हम सुबह से पढ़ा रहे हैं, तो अभी तीसरी शिफ्ट चल रही है। हम इन्हें इस्लामियात और नाजरा कुरान मजीद, इसी तरह सिंधी, उर्दू और रियाजी, इंग्लिश, सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे किताबें तो मौजूद हैं ही, लेकिन बच्चों के हाथ में स्नैक्स भी हैं, पानी भी है, जूसेस भी हैं, ये इंतजाम भी है यहाँ पे? जी हाँ, खाने पीने की चीज़ें भी हम दे रहे हैं। अभी अभी हमने इनको चिप्स भी दिए, बिस्किट भी दिए, मीठा पानी शरबत भी दिया है, और इसी तरह बिस्मिल्लाह गेम भी करवाई है, तो इस तरह सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अच्छा, ये बच्ची मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सारी ABC से आती है और वाइट बोर्ड पे पढ़ा रही है, दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखने के बावजूद बच्ची को पता है सारा? बिल्कुल सर। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, क्या पढ़ा रही हैं आप? ABCD। अच्छा, तो आपका घर किधर था? तो आप ये कैंप में रह रही हैं, आपका घर पहले किधर था? यहाँ पर। यहाँ पर था, कच्चे के इलाके में आपका घर था, सैलाब से मुतासर हुआ है? हाँ। अच्छा जी, ये बच्ची है जी, एग्जैक्ट उसे उसके इलाके का तो नहीं पता कि कहाँ से वो बिलोंग करती थी, लेकिन यकीनन इन लोगों के घर कच्चे के इलाके में थे, और जो खेमा बस्ती अलखिदमत ने यहाँ पे काम की है उसमें ये फ़िलहाल आर्जी तौर पर रह रहे हैं, और इनके माँ बाप भी तहसीन के काबिल हैं कि इन हालात में भी, इन बेसर सामानी के आलम में भी, कि अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और खेमा बस्ती में जो कायम जो आर्जी स्कूल है यहाँ पर भेज रहे हैं, तो बड़ी खुशआइन बात है, और ये अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से भी बड़ा एक काबिल तहसीन ये एक इकदाम है।